आप जानते हैं जैसा कि इस समय हम लोग फिजिक्स में विद्युत द्विध्रुव को पढ़ रहे हैं, तो विद्युत द्विध्रुव की वजह से हम लोगों ने जैसे देखा कि जो विद्युत द्विध्रुव होता है वो अपनी चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। तो जो ये विद्युत द्विध्रुव चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, तो हमने उसकी कुछ पोजीशंस डिसाइड की और उन पोजीशंस पर अलग अलग जगहों पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल निकाल कर देख रहे हैं। तो इस सीरीज में हम लोग फिलहाल डायपोल की वजह से दो जगहों पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के देख चुके हैं। एक तो डायपोल की अक्ष पर, किसी बिंदु पर अगर कोई पॉइंट है, अक्ष पर कोई बिंदु है, तो वहां पर भी हमने डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल करके देखा। उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमको मिला, दैट वॉज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2P/r³। और उसकी निरक्ष रेखा पर भी अगर उसके मध्य बिंदु से स्मॉल आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है, तो वहां पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने कैलकुलेट किया और वो फॉर्मूला हमको मिला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P/r³। तो द्विध्रुव की अक्ष पर और द्विध्रुव की निरक्ष पर दोनों जगहों पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करके देख चुके हैं। आज हम एक तीसरी लोकेशन लेना चाहते हैं, एक और आज फिर से बिंदु लेना चाहते हैं जो कि ना तो अक्ष पर होगा और ना ही तो वो निरक्ष पर होगा। इट विल बी एट एनी जनरल पॉइंट, वो किसी भी बिंदु पर हो सकता है द्विध्रुव के चारों ओर, और उस बिंदु पर हम फिर से डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करके देखना चाहते हैं। तो हमारा इस बार का जो आर्टिकल रहेगा वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी जनरल पॉइंट। जनरल पॉइंट मींस डायपोल के चारों तरफ जो जगह पड़ी हुई है उस पे कहीं पर भी वो बिंदु हो सकता है, ना तो वो अक्ष पर है और ना ही वो निरक्ष पर है। थोड़ा सा हट के आज उसको लेते हैं। जनरल पॉइंट का मतलब सिर्फ डायपोल की अक्ष निरक्ष से अलग नहीं, अक्ष निरक्ष भी उस पे आ सकते हैं। तो हम जनरल पॉइंट पे फॉर्मूला देखेंगे क्या होगा, और उसके बाद क्योंकि ये जनरल पॉइंट पर है तो हम इस फॉर्मूले की मदद से किसी भी पॉइंट पर जो कि डायपोल के आसपास स्थित होगा उस बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल पाएंगे उसके बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर सबसे पहले मैं आपको इसका एक फिगर बना के दिखाता हूं कि इसका फिगर किस तरह से रहेगा। उसके लिए मैं यहां पर एक डायपोल बना लेता हूं। डायपोल, अब आप सभी स्टूडेंट्स समझते हैं कि डायपोल में एक तरफ नेगेटिव चार्ज होता है, ये नेगेटिव चार्ज मैंने मान लिया यहां पे, और यहां पर मैंने मान लिया पॉजिटिव चार्ज। आप बहुत अच्छे से जानते हैं दोनों का मिड पॉइंट हम मान लेते हैं एम, दोनों का मध्य बिंदु एम मान लेते हैं। आप यह भी जानते हैं कि नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर ये जो डायरेक्शन होती है, माइनस आवेश से प्लस आवेश की तरफ ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है, जिसे हम सभी लोगों ने कैपिटल पी से रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो ये ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसका मध्य बिंदु M है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P जिसकी दिशा माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर होती है, हमने उसको भी बना दिया। अब डायपोल की ना तो मुझे अक्ष पर कोई बिंदु लेना है और ना ही मुझे उसकी इक्वेटोरियल लाइन पर लेना है, उसकी निरक्ष पर भी मुझे कोई बिंदु नहीं लेना है। आज मुझे जो भी बिंदु लेना है मैं उससे थोड़ा सा और भी कहीं ले सकता हूं, यहां पर मैं वो बिंदु ले सकता हूं। तो मैंने मान लिया, ना तो आप देखें ये पॉइंट मैंने एन माना,
आप देख रहे हैं ये बिंदु ना तो द्विध्रुव की अक्ष पर है और ना ही तो ये वाला बिंदु द्विध्रुव की निरक्ष पर है, ये थोड़ा सा इस तरफ है। मध्य बिंदु M से मैं इसको मिला देता हूं, ये मध्य बिंदु M से हमने इसको मिला दिया और मान लिया ये डिस्टेंस R है। जिस तरीके से लास्ट दो आर्टिकल्स में हमने द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बिंदु N तक की दूरी स्मॉल r मानते थे, सिमिलरली आज भी द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बिंदु N तक की दूरी को हमने स्मॉल r ही माना हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसके साथ एक चीज और मान लेते हैं कि द्विध्रुव को बिंदु N से मिलाने वाली रेखा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P के साथ थीटा कोण बनाती है, यह भी हमने मान लिया। ए थीटा ही होगा जो हमें इस पॉइंट की लोकेशन के बारे में बताएगा, ओके। तो ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है, इतनी चीजें हम यहां पर नोट कर सकते हैं, लिख लेते हैं। माना ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है, ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है जिसका मध्य बिंदु M है, जिसका मध्य बिंदु M है, यह मिड पॉइंट है। अब इसका डायपोल मोमेंट P है, माना द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण माना द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण कैपिटल पी है। अब द्विध्रुव के मध्य बिंदु एम से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु एन है, द्विध्रुव के मध्य बिंदु एम से स्मॉल आर दूरी पर चित्रानुसार एक बिंदु एन है, एन इस प्रकार है, ऐसे लिख सकते हैं, एन इस प्रकार है कि एम एन रेखा एम एन विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी के साथ थीटा कोण बनाती है, इस प्रकार है कि रेखा एम एन विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी के साथ थीटा कोण बनाती है। तो देखिए इतना मैंने लिख दिया है, एक बार फिर से देख सकते हैं आप कि माना ए बी एक विद्युत द्विध्रुव है, ए बी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका मध्य बिंदु एम है, मिड पॉइंट एम है, माना द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण पी है। ये जो आप डायपोल देख रहे हैं इसका डायपोल मोमेंट पी है और उसकी डायरेक्शन भी मैंने बना दी निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की ओर। आगे द्विध्रुव के मध्य बिंदु एम से, तो द्विध्रुव के मध्य बिंदु एम से स्मॉल आर दूरी पर, स्मॉल आर दूरी पर चित्रानुसार एक बिंदु एन इस प्रकार है कि रेखा एम एन, जो लाइन एम एन आप देख रहे हैं, यह विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वेक्टर पी के साथ में थीटा कोण बनाती है, ओके। अच्छा, अब फिर से आते हैं वापस अपने इस फिगर पे और देखिए इसमें मैं करना क्या चाहता हूं। ये आप जो देख रहे हैं पी विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसको मैं दो घटकों में डिवाइड कर सकता हूं, दो कंपोनेंट में इसके बना सकता हूं। फिर से मैं बता दूं, ये बिंदु N वो बिंदु है जिस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, मैं चाहूं तो इसको भी लिख सकता हूं, इस बिंदु N पर ही, इस बिंदु N पर ही द्विध्रुव के कारण, इस बिंदु N पर ही द्विध्रुव के कारण हमें
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ओके, अब इसके लिए हम एक काम करते हैं, ये जो P है इसको हम दो घटकों में डिवाइड कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, एक घटक इसका MN की अनुदिश बनाएंगे और एक घटक इसी P का हम MN के लंबवत बनाएंगे। ध्यान से देखिए, P का एक घटक MN के अनुदिश बनाना चाहते हैं हम, तो P का एक घटक मैं MN के अनुदिश बना रहा हूं। आप भी देखिए, मैं इसको थोड़ा सा पीछे बढ़ा देता हूं। MN के अनुदिश मैं इसका कंपोनेंट बनाना चाहता हूं, तो ये कंपोनेंट देखिए बना। आप यूं समझ लीजिए कि जो ये P है उसको मैंने थीटा कोण ऐसे झुका दिया, तो ये किस तरह से आ जाएगा आप देखें, ये बेटा इस तरह से आपको दिखना शुरू हो जाएगा, इस तरह से, ये इस तरह से आपको दिखने लगेगा। ये इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट P का MN के अनुदिश घटक मैंने बना दिया है और ये आपको लगभग इस तरह का दिखेगा। इस घटक की वैल्यू क्या होगी सभी बच्चे बता सकते हैं? अगर ये डायरेक्शन में P है, P का थीटा कोण के अनुदिश, थीटा कोण से झुके हुए एंगल पर इसका कंपोनेंट क्या बनेगा, तो इस P का थीटा कोण वाली दिशा पर जो कंपोनेंट बनेगा वो आएगा P cos थीटा। देख लीजिए सभी लोग, इसके बाद हम इस घटक के P cos थीटा के लंबवत एक घटक बनाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने पहले थीटा के अनुदिश ऐसा घटक बनाया, अब एक घटक ऐसा इधर की तरफ बनेगा जो कि पहले वाले घटक के लंबवत होगा। आयताकार घटक दो परस्पर लंबवत होते हैं ना, तो ये हमने M बिंदु बना हुआ है। अब इसके लंबवत एक घटक मुझे बनाना है, लंबवत एक घटक बनाना है तो उसको हम ऐसा बनाएंगे। देखिए इस तरह से हम वो लंबवत घटक बना सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देता हूं, थोड़ा सा मोटा भी बना देता हूं ताकि ये आपको अलग से ही दिख जाए, समझ में आ जाए कि मैं किस घटक की बात कर रहा हूं। यहां पे आप देख लीजिए सभी लोग गौर से, तो ये बेटा मैंने बनाया MN के लंबवत घटक। फिर से एक बार देखें, इस दिशा में P है, P से थीटा कोण बनाने वाली दिशा में जो कंपोनेंट आएगा P cos थीटा, और उसके दूसरी तरफ यानी कि P cos थीटा के लंबवत जो घटक आएगा वो कितना होगा, तो बेटा वो तो P sin थीटा होगा, ये सभी बच्चे जानते हैं। मैं याद भी दिला दूं आपको कि अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी ऐसे होती है A, तो थीटा कोण बनाने वाली दिशा में उसका जो कंपोनेंट होता है वो A cos थीटा होता है, और उसकी दूसरी साइड पहले कंपोनेंट के अभिलंबवत जो घटक होता है वो आपका रहेगा A sin थीटा। सिमिलरली P का थीटा कोण बनाने वाली दिशा में घटक P cos थीटा, और उसकी दूसरी तरफ यानी कि P cos थीटा के लंबवत जो घटक आएगा वो P sin थीटा होगा। इस तरह से हम यहां पर P के दो कंपोनेंट्स तैयार कर लेते हैं। अब मैं इस बात को भी यहां पर नोट कर सकता हूं, और एक चीज, क्योंकि ये दिशा P की थी, P को जब आपने दो घटकों में डिवाइड कर लिया तो आप ये सोचेंगे कि P अभी यहां पर नहीं रहेगा। क्यों? आपने एक वेक्टर के दो कंपोनेंट ऐसा बना लिया तो वो बीच वाला कंपोनेंट तो नहीं बचा ना, वो तो चला गया, क्योंकि उसी को तो दो भागों में तोड़ लिया आपने, तो अब ये नहीं है। अब यहां पर P के दो घटक हैं, केवल एक P cos थीटा और एक P sin थीटा है। तो मैं यहां पर इस पॉइंट को भी नोट कर लेता हूं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P का MN के अनुदिश घटक, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैपिटल P का MN के अनुदिश घटक, MN के अनुदिश घटक। तो बताइए फिगर में देख करके कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P का MN के अनुदिश घटक कौन सा है। P का MN के अनुदिश घटक
तो आप सब देख रहे हैं वो घटक है पी कॉस थीटा, पी कॉस थीटा। उसके बाद बिंदु द्विध्रुव आघूर्ण पी का, नहीं बिंदु नहीं, द्विध्रुव आघूर्ण पी का एमएन के अनुदिश घटक, आप यहां पर विद्युत लिख सकते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी का एम एन के लंबवत घटक क्या होगा? एम एन के लंबवत घटक, बेटा ये एम एन है, एम एन ये लाइन है, इसके लंबवत वाला घटक, इसकी मैं बात कर रहा हूं, ये कंपोनेंट आया है पी साइन थीटा। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, आपका जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट था पहले ये ए बी के अनुदिश था पी, लेकिन इसको क्योंकि मैंने दो घटकों में डिवाइड कर लिया है, एक घटक पी साइन थीटा और इसका एक हिस्सा यहां पर आया, एक पी कॉस थीटा है सॉरी, और दूसरा यहां पर आप देख रहे हैं पी साइन थीटा। अब इसमें मैं थोड़ा सा आपको यहां पर एक चीज और बताना चाहता हूं, इस डायपोल की वजह से मुझे बिंदु एन पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए। जरा गौर से देखिए, अब मेरे पास दो डायपोल मोमेंट है, डायपोल मोमेंट के कंपोनेंट बनाए ना आपने, अब आपके पास पहले एक डायपोल मोमेंट था केवल पी, अब हमारे पास दो डायपोल मोमेंट हैं, एक पी कॉस थीटा और दूसरा पी साइन थीटा, अब ये दो डायपोल मोमेंट हैं। तो बेटा ध्यान से देखिए जरा, अगर ये दो डायपोल मोमेंट हैं और पॉइंट एन पर हमें इंटेंसिटी फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये जो डायपोल मोमेंट पी कॉस थीटा है जिसकी दिशा ये वाली है, उसके अनुसार बिंदु एन कौन सी पोजीशन पर है? अगर पी कॉस थीटा डायपोल मोमेंट है तो इसको देखते हुए बिंदु एन उसकी कौन सी पोजीशन पर है, अक्षीय स्थिति पर है या निरक्षीय स्थिति पर है? थोड़ा सा याद कीजिए, डायपोल मोमेंट में अगर पी के लाइन में होता था तो अक्षीय स्थिति बताया जाता था, और पी के लंबवत होता था तो निरक्षीय स्थिति बताया जाता था बिंदु को। अब आप मुझे बताइए कि अगर डायपोल मोमेंट ये वाला है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ये है पी कॉस थीटा, तो बिंदु एन उस समय इसको देखते हुए इसकी अक्ष पर पड़ेगा या निरक्ष पर पड़ेगा? तो सभी बच्चों का यह कहना होगा कि पी कॉस थीटा अगर डायपोल मोमेंट है तो फिर बिंदु एन उसकी अक्ष पर पड़ेगा। आप देखिए उसी से जाने वाली लाइन में ही बिंदु एन पड़ रहा है, लेकिन अगर डायपोल मोमेंट पी कॉस थीटा नहीं होकर पी साइन थीटा होगा, डायपोल मोमेंट अगर पी कॉस थीटा ना होकर पी साइन थीटा होगा, तो इसके हिसाब से बिंदु एन की पोजीशन क्या है? क्या इसके अनुसार बिंदु एन अक्षीय स्थिति पर है, या इसको देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि बिंदु एन निरक्षीय स्थिति पर है? तो बड़ा सिंपल है, अगर ये डायपोल मोमेंट इस दिशा में है तो फिर बिंदु एन इसकी निरक्षीय स्थिति पर है। देखिए बहुत ध्यान से समझिए इसको, बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड जरूर हो सकता है, अदरवाइज बहुत आसान है। आप फिर से देखें, अगर ये डायपोल मोमेंट है उस समय बिंदु एन इसकी एक्सिस पर है, अक्ष पर है, लेकिन अगर ये डायपोल मोमेंट है तो बेटा आप खुद देख सकते हैं उस समय ये वाला बिंदु एन इसकी निरक्ष पर भी है। तो पी कॉस थीटा की अक्ष पर और पी साइन थीटा की निरक्ष पर है। मैं क्या करना चाहता हूं, देखिए हम प्लानिंग क्या कर रहे हैं करने की, हम प्लानिंग ये कर रहे हैं कि अभी तक जो लास्ट आर्टिकल हमने सॉल्व किए हैं उनमें मुझे डायरेक्ट डायपोल का फॉर्मूला नहीं आता था। उसमें जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने जाते थे तो हमें पॉइंट चार्जेस का फॉर्मूला यूज करना पड़ता था और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का रिजल्टेंट हम फाइंड करते थे। लेकिन क्योंकि हम द्विध्रुव की अक्ष और निरक्ष दोनों जगहों पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर चुके हैं, इसलिए हमें अब डायपोल की वजह से किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसकी अक्ष पर हो वो बिंदु या वो बिंदु उसकी निरक्ष पर हो, निकालना अब हमको आता है। तो आज हम पॉइंट चार्ज का सूत्र नहीं लगाएंगे, आज हम सीधे डायपोल का फॉर्मूला लगाएंगे। सो व्हाट इज आवर प्लानिंग,
माय प्लानिंग इज कि मैं डायपोल के दो घटक बना लिए, अब इसकी वजह से मैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दूंगा, फिर इसकी वजह से मैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दूंगा, और इसके बाद वेक्टर के हिसाब से उसका सम कर देंगे, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो टुडे आई एम नॉट अप्लाइंग द फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द पॉइंट चार्ज, बिंदु आवेश के लिए आज मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का सूत्र नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि अब मुझे डायपोल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का सूत्र पता हो गया है। तो मैं कर देता हूं, द्विध्रुव आघूर्ण P cos थीटा के कारण बिंदु N पर विद्युत क्षेत्र, देखिए देयरफॉर द्विध्रुव आघूर्ण P cos थीटा के कारण बिंदु N पर विद्युत क्षेत्र, द्विध्रुव आघूर्ण P cos थीटा, इसको थोड़ा सा मैं और अच्छे से लिख देता हूं, यहां लिखेंगे क्योंकि बिंदु N द्विध्रुव आघूर्ण P cos थीटा की अक्ष पर है। आपने अभी ये डिसाइड किया कि जो P cos थीटा है उसकी अक्ष पर ये बिंदु है, अक्ष पर है, इसलिए P cos थीटा के कारण बिंदु N पर विद्युत क्षेत्र, P cos थीटा के कारण बिंदु N पर विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र E अक्ष पर है, तो मैं इसको एक्सियल लिखे ले रहा हूं, एक्सियल P cos थीटा की वजह से अक्ष पर, याद करिए फॉर्मूला 1/4πε0k अक्ष पर होता था तो 2π/r³ फॉर्मूला लगता था, 2 P की जगह पे क्या लिखेंगे, याद बताइए मुझे, क्या मैं P की जगह P लिखूंगा, P cos थीटा लिखूंगा या P sin थीटा लिखूंगा, सोचिए। तो ना तो मैं P लिखूंगा ना P sin थीटा लिखूंगा, मैं क्या लिखूंगा, P cos थीटा, क्योंकि इसी की अक्ष पर यह बिंदु पड़ता है। तो यहां पर लिखा जाएगा 2π cos θ/r³, ये बिंदु N द्विध्रुव आघूर्ण P cos थीटा की अक्ष पर है, इसलिए P cos थीटा के कारण बिंदु N पर विद्युत क्षेत्र। E ऑन एक्सियल लाइन इज इक्वल टू 1/4πε0k 2π/r³ होता है, तो 2 की जगह 2 और P की जगह केवल P नहीं, P cos θ/r³। सिमिलरली फिर से मैं यहां पर लिख सकता हूं, क्योंकि बिंदु N द्विध्रुव आघूर्ण P sin थीटा, अब मैंने डायपोल मोमेंट P sin थीटा ले लिया, P sin थीटा की निरक्ष पर है, इसलिए P sin थीटा के कारण बिंदु N पर, P sin थीटा के कारण बिंदु N पर विद्युत क्षेत्र, बिंदु N पर विद्युत क्षेत्र, P sin थीटा की निरक्ष पर है यह बिंदु, इसलिए इसको मैं इक्वेटोरियल लिख सकता हूं, E ऑन इक्वेटोरियल लाइन। निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सभी स्टूडेंट्स ने पढ़ रखी हुई है, 1/4πε0k P/r³ होती है, इस बार P की जगह पर P sin थीटा लेना है, तो P sin थीटा अपॉन R क्यूब, ये इस डायपोल मोमेंट की वजह से पॉइंट N पर इलेक्ट्रिक फील्ड ये आ गया, इस डायपोल मोमेंट की वजह से पॉइंट N पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फॉर्मूला आपने देखा। अब हम इन दोनों को कंबाइंड करना चाहते हैं, बट बिफोर कंबाइनिंग वी वॉन्ट टू सी द डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स, बोथ द इलेक्ट्रिक फील्ड्स,
दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शंस को हम देखना चाहते हैं। आपने भी डायरेक्शन देखी है, अब आप मुझे यहां बताइए कि इस डायपोल की वजह से पी कॉस थीटा जो डायपोल मोमेंट आपका है, इसकी वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड आया है ई एक्सियल, तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी? तो बेटा पी कॉस थीटा की अक्ष पर यह बिंदु है, और अक्ष पर कोई बिंदु होता है तो वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा पी के अनुदिश होती है। तो अगर पी कॉस थीटा इस दिशा में है और ये वाला बिंदु इसकी अक्ष पर पड़ता है, तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा पी कॉस थीटा की दिशा में ही होगी, अक्ष के अनुदिश ही होगी। ये अक्ष के अनुदिश, ऐसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई, इसको हमने नाम दिया था ई एक्सियल। ओके, अब ये पी साइन थीटा आप देख रहे हैं, पी साइन थीटा की निरक्ष पर ये बिंदु है, और बेटा आपको याद होगा निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र जो होता है वो द्विध्रुव आघूर्ण के अपोजिट डायरेक्शन पर होता है। तो इस डायपोल मूवमेंट की निरक्ष पर ये बिंदु है, इसलिए इस बिंदु पर इस डायपोल मोमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इसके अपोजिट होगा। अपोजिट होगा तो पी साइन थीटा अगर इधर की तरफ है तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा, ऐसे है तो बिल्कुल अपोजिट इस डायरेक्शन पे होगा। मैं यहां पर इस दिशा में इसको बना लेता हूं, इसके बिल्कुल अपोजिट इस लाइन के विपरीत दिशा में, तो ऐसा ये आ जाएगा। अब इन दोनों के बीच का एंगल आप समझ सकते हैं 90 डिग्री होगा। क्यों 90 डिग्री होगा? क्योंकि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अनुदिश, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन पे, और यहां पर भी तो ये दोनों लंबवत घटक थे, तो अगर बेटा यहां पर दोनों लंबवत घटक हैं तो यहां पर भी इनके इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल रहेगा। और ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा है? ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वेटोरियल है। मैं इतना बड़ा नहीं लिखूंगा, ई एक्सियल मैं लिख देता हूं केवल। ओके, अब इस एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये आप देख रहे हैं, इक्वेटोरियल लाइन वाले इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आप ये देख रहे हैं। आप एक चीज और देख रहे हैं कि इसकी तुलना में इसकी वैल्यू दोगुनी है, और यही रीजन है कि मैंने इसको थोड़ा छोटा बनाया है और इसका वेक्टर मैंने थोड़ा सा बड़ा बनाया है। अब मैं ये देखना चाहता हूं कि अगर ई एक्सियल ये है, ई इक्वेटोरियल ये है, तो फिर दोनों का रिजल्टेंट कितना है, दोनों का रिजल्टेंट कहां है? तो बेटा बड़ा आसान है, आप पैरेललोग्राम इसका पूरा करिए, वेक्टर के जोड़ का सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम आपको याद होगा, समांतर चतुर्भुज इसका पूरा कीजिए। कैसे? इस बिंदु से इसके समांतर लाइन खींचिए, तो हमने इस बिंदु से इसके समांतर लाइन खींच दिया, फिर इस बिंदु से इसके समांतर लाइन खींचिए, वो लाइन ऐसे आ जाएगी। इसके पैरेलल भी हमने लाइन ड्रॉ कर दी, जहां पर दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वहीं से रिजल्टेंट पास होगा। तो इन दोनों विद्युत क्षेत्रों का परिणामी कहां होगा? तो बेटा इन दोनों विद्युत क्षेत्रों का ये परिणामी होगा, देखिए ये रिजल्टेंट आएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, तो इसको मैं लिख देता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड नेट। समांतर चतुर्भुज का नियम आप जानते हैं, तो अब इस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को मुझे फाइंड करना है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो आई विल हैव टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड आई विल हैव टू ऑल्सो फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ दिस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कैसे मैं फाइंड करूंगा? सबसे पहले आई वॉन्ट टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। किस तरह से पता लगाया जाए? तो बेटा फिर से याद करिए, वेक्टर एनालिसिस का लेसन आपने पढ़ा हुआ है, याद करें, अगर दो सदिश राशियां एक दूसरे पर 90 डिग्री के कोण पर झुकी होती हैं तो उनका रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए हम एक फॉर्मूला लगाते थे,
अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए और बी दो सदिश राशि है, दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री है, तो इन दोनों का परिणामी निकालने के लिए अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करते हैं। यहां पर भी ई इक्वेटोरियल और ई एक्सियल दोनों आपस में 90 डिग्री के एंगल पर झुके हुए हैं और मुझे इन दोनों का ही परिणामी ई नेट चाहिए। अगर इन दोनों का परिणामी चाहिए तो मेरे लिए यही वाला फॉर्मूला लगाना सबसे सुइटेबल रहेगा। क्या? अंडर रूट स्क्वायर ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी, फर्स्ट वेक्टर क्वांटिटी प्लस स्क्वायर ऑफ सेकेंड वेक्टर क्वांटिटी। तो मैं यही फॉर्मूला अप्लाई करना चाहता हूं, तो उससे पहले आप इसे नोट जरूर कर ले। अब मैं इसको इरेज कर देता हूं क्योंकि मैं इन दोनों के लिए जो रिजल्टेंट मुझे फाइंड करना है उसके लिए मुझे फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो आप सभी स्टूडेंट्स गौर से देखें, इसलिए बिंदु एन पर नेट विद्युत क्षेत्र, बिंदु एन पर नेट विद्युत क्षेत्र, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला लगाएंगे? अंडर रूट स्क्वायर ऑफ फर्स्ट वेक्टर क्वांटिटी प्लस स्क्वायर ऑफ सेकेंड वेक्टर क्वांटिटी, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, क्योंकि यही दोनों एक दूसरे के लंबवत है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन स्क्वायर प्लस ई इक्वेटोरियल स्क्वायर। अब इसको कैलकुलेट करना है आपको, देन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ई एक्सियल स्क्वायर। बेटा देखे ये ई एक्सियल है, इसका मुझे स्क्वायर कर देना है। इसका आप स्क्वायर कर देंगे तो आपको मिलेगा 1/4πε0k स्क्वायर, इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर करेंगे 4 मिलेगा, पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन इसका स्क्वायर करेंगे आर क्यूब होल स्क्वायर, या मैं आर टू दी पावर 6 भी लिख सकता हूं। तो मैंने ई एक्सियल का जो फॉर्मूला था उसका स्क्वायर कर दिया, 1/4πε0k स्क्वायर आर क्यूब स्क्वायर, 2 का स्क्वायर किया 4, पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ई इक्वेटोरियल स्क्वायर। ई इक्वेटोरियल की वैल्यू आप यहां पर देख रहे हैं, ई इक्वेटोरियल का स्क्वायर करेंगे, इसमें भी आप गौर से देखें 1/4πε0k होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई पी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आर क्यूब स्क्वायर करेंगे तो आर क्यूब स्क्वायर। अभी मैंने केवल वैल्यू पुट की है, अब हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। एक चीज इसमें देखें थोड़ा ध्यान से, सभी स्टूडेंट गौर से देखें, बेटा दोनों में कुछ चीजें कॉमन मिल रही हैं मुझे। क्या चीज कॉमन मिल रही है? एक मुझे 1/4πε0k होल स्क्वायर दोनों से कॉमन मिल रहा है, मुझे पी स्क्वायर भी दोनों से कॉमन मिल रहा है, और मुझे आर क्यूब स्क्वायर भी दोनों से कॉमन मिल रहा है। मैं इसे कॉमन लूंगा और स्क्वायर रूट से सीधे बाहर निकालूंगा। फिर से 1/4πε0k होल स्क्वायर पी स्क्वायर आर क्यूब स्क्वायर, दोनों में ये चीज कॉमन है, तो मैं इसे कॉमन लूंगा और फिर अंडर रूट से बाहर निकालूंगा, स्क्वायर रूट भी करूंगा, तो इन सब के स्क्वायर्स में हट जाएंगे। क्या मिलेगा आपको? देखेंगे गौर से यहां पर 1/4πε0k, क्योंकि कॉमन तो स्क्वायर होगा, लेकिन जब आप स्क्वायर रूट से बाहर निकालोगे तो इसका स्क्वायर भी हट जाएगा। ये मिला मुझे, पी स्क्वायर भी कॉमन हुआ होगा, पी स्क्वायर कॉमन लिया फिर स्क्वायर रूट से बाहर निकाला तो पी, आर क्यूब स्क्वायर कॉमन लिया और बाहर निकाला तो आर क्यूब। अब अंदर क्या बचेगा जरा गौर से देखिए, अंदर बचेगा 4 कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये कॉमन नहीं हुआ, अंदर बचा 4 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस प्लस ये गया ये गया ये भी गया, तो यहां पर बच गया साइन स्क्वायर थीटा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है। मैं चाहूं तो ये अंडर रूट के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर जो फंक्शन है इसको थोड़ा सा मैं और कैलकुलेट कर सकता हूं। कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं जरा सभी बच्चे ध्यान से देखें, 1 अपॉन
फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के पी अपॉन आर क्यूब अंडर रूट, ये जो फोर कॉस स्क्वेयर थीटा है मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं थ्री कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा। फोर कॉस स्क्वेयर थीटा है ना, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं थ्री कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा, थ्री कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा, दोनों को फिर से जोड़ेंगे फोर कॉस स्क्वेयर थीटा आ जाएगा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा। अब बेटा आप सभी जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में फर्स्ट आइडेंटिटी है कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा, कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस साइन स्क्वेयर थीटा दिस विल बिकम वन, और अगर ये वन हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारा जो फॉर्मूला बनेगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वो क्या बनेगा, मैं यहां पर लिख देता हूं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमारा आया वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट के पी अपॉन आर क्यूब इंटू थ्री कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस वन, थ्री कॉस स्क्वेयर थीटा प्लस वन, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी जनरल पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो बेटा ये वो फाइनल सूत्र है, ये वो फाइनल फॉर्मूला डेरिवेशन करके हम लोगों ने निकाला जिसकी हमें तलाश थी। लेकिन मैं एक चीज आपको बता दूं, हमने मैं फिर से एक बार याद दिला दूं कि यहां पर हमने रिजल्टेंट के लिए रूल कौन सा लगाया, अगर दो सदिश राशियां परस्पर एक दूसरे पर लंबवत हो और उनका परिणामी निकालना हो तो इसके लिए क्लास 11th में आपको यह सारी स्टडी करवाई गई है कि ऐसी सिचुएशन पे आप अंडर रूट स्क्वेयर ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी प्लस स्क्वेयर ऑफ सेकेंड क्वांटिटी कर सकते हैं। वही मैंने किया, कैलकुलेट किया, सिंपल सी मैथमेटिक्स है, आप भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका मैग्नीट्यूड ये आ गया। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक सदिश राशि है, तो बेटा अगर ये एक सदिश राशि है तो इसमें एक डायरेक्शन भी होनी चाहिए। तो अब मैं इस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ये फॉर्मूला आया है ये सिर्फ उसका परिमाण है, मैं इस नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी फाइंड करना चाहता हूं। कैसे फाइंड करूंगा, फिगर में देखिए ये जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है हम इसकी दिशा भी निकालना चाहते हैं, इसके लिए हमें कोई ना कोई रेफरेंस लाइन लेनी पड़ेगी। मैं चाहूं तो इसे रेफरेंस लाइन ले सकता हूं ई एक्सियल को, और अगर मैं चाहूं तो ई इक्वेटोरियल को भी मैं रेफरेंस लाइन ले सकता हूं। फिलहाल मेरे लिए सबसे इजी लग रहा है इसको रेफरेंस लाइन लेना ई एक्सियल को, और ये वाला एंगल हम अल्फा मान लेते हैं। मान लेते हैं कि पॉइंट एन पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई एक्सियल के साथ में अल्फा कोण बनाता है। तो अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्सियल के साथ में अल्फा कोण बनाता है तो मुझे ये एंगल चाहिए। अब मैं वो एंगल फाइंड आउट करने के लिए फिर से मैं इसे इरेज करना चाहूंगा, आप प्लीज इसे नोट करते रहा करिए, स्क्रीनशॉट लेते रहा करिए। अब मैं इसे इरेज कर देता हूं। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम निकाल चुके हैं, मैग्नीट्यूड हम फाइंड आउट कर चुके हैं। अब यहां पर लिख लेते हैं माना इलेक्ट्रिक फील्ड नेट ई एक्सियल के साथ अल्फा कोण बनाता है, जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र है वो ई एक्सियल के साथ में अल्फा कोण बनाता है। तब बेटा थोड़ा ध्यान से देखें, ये ई एक्सियल है, ये ई इक्वेटोरियल है, और अगर ये पूरा एक समांतर चतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज में तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो अगर ये ई इक्वेटोरियल है तो बेटा ये भी तो ई इक्वेटोरियल के बराबर होगा। ये जो आप वेक्टर देख रहे हैं दिस विल बी ऑल्सो इक्वल टू ई इक्वेटोरियल, समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर है, तो अगर ये
ई इक्वेटोरियल है तो ये भी ई इक्वेटोरियल होगा। अब मैं इस ट्रायंगल को देखिए, ये एक ट्रायंगल है जिसमें ये 90 डिग्री का एंगल है यहां पे, तो मैं यहां पर अल्फा निकालना चाहता हूं, मुझे ई एक्सियल मालूम है, मुझे ई इक्वेटोरियल मालूम है, तो इसके लिए कौन सा सूत्र लगाएंगे? हम इसके लिए टैन अल्फा लगाएंगे। टैन अल्फा, टैन अल्फा का फॉर्मूला क्या होगा? लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो टैन अल्फा के लिए परपेंडिकुलर कौन हुआ? ये। बेस कौन हुआ? ये। मींस टैन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मींस ई इक्वेटोरियल, परपेंडिकुलर मींस ई इक्वेटोरियल अपॉन टैन अल्फा के लिए लंब बटे आधार, आधार के लिए ये लेना है मुझे, ये मींस ई एक्सियल लेना है, तो मैं ई एक्सियल ले लेता हूं। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज अप्लाई कर दीजिए। टैन अल्फा इज इक्वल टू, बेटा ध्यान से देखिए, ई इक्वेटोरियल न्यूमेरेटर में रखना है अंश में, ई एक्सियल डिनोमिनेटर में रखना है हर में आपको, ये ऊपर रहेगा और ये अपॉन में रहेगा। जरा ध्यान से देखिए, जब इसे ऊपर लिखोगे इसे नीचे लिखोगे तो 1/4 pi epsilon naught के से ये कैंसिल हो जाएगा, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, पी से पी कैंसिल हो जाएगा, अब क्या बचेगा? साइन थीटा अपॉन टू कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन टू कॉस थीटा बचेगा, साइन थीटा अपॉन टू कॉस थीटा मींस टेन अल्फा आपका जो आएगा दैट विल बी 1/2 टेन थीटा, और थीटा क्या है? स्टार्टिंग में हमने जो ये एंगल माना हुआ था वही एंगल थीटा है, तो टेन अल्फा इज इक्वल टू 1/2 टेन थीटा, या अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा? अल्फा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1/2 टेन थीटा। ये हो जाएगा बेटा रिजल्टेंट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और ये डायरेक्शन मैंने ई एक्सियल को रेफरेंस लाइन मान करके बनाया हुआ है। तो हमने देखा कि एक वैद्युत ध्रुव की वजह से उसके किसी आसपास किसी भी बिंदु पर अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए तो उसके परिमाण के लिए मेरे पास एक फॉर्मूला है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4 pi epsilon naught के पी अपॉन आर क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 3 cos² θ + 1। और अगर आप उसकी डायरेक्शन पता लगाना चाहते हैं तो आपके पास उसका एक फॉर्मूला है, टेन इनवर्स 1/2 टेन थीटा। बट यू शुड रिमेंबर कि ये जो एंगल आएगा वो ई एक्सियल की तरफ से आएगा एंगल, ओके? तो ये जनरल पॉइंट पर, देखिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि जनरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। जनरल पॉइंट का क्या मतलब है? जनरल पॉइंट का मतलब है अगर ये डायपोल के चारों तरफ किसी जनरल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है, तो जाहिर सी बात है कि यह फॉर्मूला हम डायपोल के चारों तरफ किसी भी स्थान पर यूज कर सकते हैं। किसी भी स्थान पर का मतलब हम अक्ष के लिए भी यूज कर सकते हैं, हम इस फॉर्मूले को निरक्ष के लिए भी यूज कर सकते हैं। सो इफ इट इज द फॉर्मूला फॉर जनरल पॉइंट, so we can apply this formula for axial line and we can also apply this formula for equatorial line। तो करके देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं क्या ये अक्ष और निरक्ष के लिए भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले निकाल के देगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं। अब अगर बेटा ये पॉइंट n यहां ना होकर डायपोल की एक्सिस पर होता, थोड़ा ध्यान से देखिए, अगर ये वाला पॉइंट जो n अभी ऐसे है, ये डाइपोल है, पॉइंट n ऐसे है, अगर ये अक्ष पर होता बिंदु, अक्ष पर होता मतलब ये mn लाइन कैसी होती? आप समझ रहे हैं, ये mn लाइन ऐसी होती, और अगर बेटा ये mn लाइन ऐसी होती तो इस एंगल थीटा की वैल्यू कितनी होती? एंगल थीटा तो जीरो हो गया होता। अगर एंगल थीटा जीरो हो गया होता तो रखिए थीटा की जगह जीरो, थीटा की जगह जीरो लिखेंगे, कॉस जीरो की वैल्यू वन, वन इंटू थ्री, थ्री, थ्री प्लस वन फोर, फोर का स्क्वायर रूट करिए क्या मिलेगा? टू, टू यहां पर आ जाएगा, मींस
द फॉर्मूला विल बी 1/4πε0k2πr³। आपने देखा अक्ष पर जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट किया था तो बेटा यही फॉर्मूला मिला था 1/4πε0k2πr³। चलो अब निरक्ष पर भी अप्लाई करके देख लेते हैं। तो अगर बेटा ये पॉइंट एन डाइपोल, ये है हमारा डाइपोल की निरक्ष पर होता तो ऐसे यहां पर होता, उस समय ये एंगल कितना होता आप सोचिए। अभी ये एमएन लाइन ऐसे है, अगर ये निरक्ष पर होता तो एमएन लाइन ऐसे आ रही होती, अगर ये एमएन लाइन ऐसे आ रही होती तो उस समय थीटा का क्या होता, ऐसे एमएन लाइन होती तो उस समय आप ध्यान से देखें, उस समय ये थीटा टोटल 90 डिग्री हो गया होता, निरक्ष के लिए थीटा 90 डिग्री होगा। तो 90 डिग्री लिख के देखिए, यहां पर कॉस 90 अगर आप लिखेंगे, थीटा की जगह 90 लिखोगे, कॉस 90 की वैल्यू जीरो, ये टर्म जीरो हो गया, वन बचा, वन का स्क्वायर रूट वन ही आएगा। फॉर्मूला क्या मिला, 1/4πε0kπr³। और यही फॉर्मूला हम लोगों ने इक्वेटोरियल लाइन के लिए प्रूफ भी किया हुआ था। तो आप ये एक ऐसा फॉर्मूला, एक जनरल फॉर्मूला है जिसे आप एक्सिस के लिए भी यूज कर सकते हैं, जिसे आप इक्वेटोरियल लाइन के लिए भी यूज कर सकते हैं, और इसे आप डायपोल के आसपास किसी भी जनरल पॉइंट के लिए यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा डेरिवेशन हुआ। इसमें एक चीज मैं और आपको दिखाना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, जरा गौर से देखिए। अब मैं इसको इरेज कर देता हूं, आप इसे नोट जरूर कर लीजिएगा, मैं हटा देता हूं इसको। तो हमने डायरेक्शन भी निकाली, हमने फॉर्मूले का मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट किया। अब मैं एक और भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आपको दिखाना चाहता हूं, आप देखिए, और उससे आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है। मैंने एक डायपोल बनाया, सपोज दिस इज द डायपोल एंड दिस इज नेगेटिव चार्ज, दिस इज पॉजिटिव चार्ज, दिस इज पॉइंट एम विच इज द मिड पॉइंट ऑफ डायपोल। इस लाइन के बारे में ऑलरेडी सभी बच्चों को बताया जा चुका है, पिछले लेक्चर्स में आपको बताया गया है। तो अगर आप इस लाइन को पहचानते होंगे तो क्या कहते हैं इस लाइन को, आंसर है इस लाइन को हम द्विध्रुव की अक्ष कहते हैं। यहां से पूरी ये लाइन द्विध्रुव की अक्ष है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इधर ही अक्ष है, इधर अक्ष नहीं है, द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा द्विध्रुव की अक्ष कहलाती है। इसके बाद आप देखिए, यह लाइन अगर मैं यहां से ड्रॉ करता हूं, द्विध्रुव का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर मैं ड्रॉ करता हूं तो उस लाइन को हम बोलते हैं द्विध्रुव की निरक्ष। यह भी निरक्ष है, ऐसा नहीं कि इधर ही निरक्ष है, यहां भी निरक्ष है, पूरी निरक्ष है ये। अब इसमें जरा सभी बच्चे गौर से देखेंगे, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि डायपोल की वजह से यहां पर अक्ष के इस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, सोचिए और बताइए मुझे जल्दी से। ये डायपोल है, ये उसकी अक्ष है, अक्ष के इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर की तरफ होगी। तो लास्ट लेक्चर्स में और आज भी हमने जिक्र किया, आप जानते हैं कि अक्ष पर द्विध्रुव की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पी के अनुदिश होगी, नेगेटिव से प्लस पी ऐसे रहेगा, यह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन है। तो आप मुझे बताइए कि अक्ष के इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर होगी, हां इस बिंदु पर मुझे बताइए। यह भी अक्ष पर था, यह भी अक्ष पर था, तो अगर अक्ष पर है तो दिशा हमेशा पी के अनुदिश ही रहेगी, यह दिशा होगी, क्योंकि माइनस से प्लस की तरफ ऐसा पी की डायरेक्शन रहती है। तो अक्ष पर कहीं पर भी कोई बिंदु होगा, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा पी के अनुदिश ही होगी। ओके, अब मैं बात करता हूं कि मुझे इस बिंदु पर बताइए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर की ओर होगी। तो यह बिंदु कहां पर है, आंसर है यह बिंदु तो निरक्ष पर स्थित है। अगर यह बिंदु निरक्ष पर स्थित है तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर होगी, बताइए। आपको याद होगा निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र पी के विपरीत दिशा में होता है,
अगर पी की दिशा ये है तो इसके बिल्कुल विपरीत होगी, ऐसे डायरेक्शन होगी। यहां पर ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी, यहां पर ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? क्या यह इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा या यह इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा? मैं कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर बचाऊं और कौन सा इलेक्ट्रिक फील्ड साफ कर दूं? कौन सा एक इलेक्ट्रिक फील्ड रियल में होगा, इधर की तरफ या इधर की तरफ? सोचिए जल्दी से। तो मैं बता देता हूं, यह लाइन कौन सी लाइन है? निरक्ष है, और निरक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो पी के विपरीत दिशा में होता है। पी किस तरफ? इस तरफ। तो पी के विपरीत कैसा होगा? ऐसा। तो ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड गलत है, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो अब मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड को यहां से साफ कर देता हूं। तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र इधर, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र इधर, अक्ष पर, पूरे अक्ष पर कहीं पर भी बिंदु ले लीजिए, हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ऐसा पी के अंदर मिलेगा। पूरी निरक्ष पर कहीं पर भी बिंदु ले लीजिए, हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड निरक्ष के आपको निरक्ष पर पी के विपरीत दिशा में मिलेगा, इधर या इधर मिलेगा। अब थोड़ा सा ध्यान देने की बात है, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि अगर डाइपोल के यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में है ऐसे, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में है, तो यहां बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या हुआ होगा? जरा ध्यान से देखें, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और निरक्ष पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा हो गया है इस दिशा में, अक्ष पर इस दिशा में, निरक्ष पर इस दिशा में। तो इन बीच वाले बिंदुओं पर क्या हुआ होगा? देखिए जरा गौर से, अक्ष पर इधर की तरफ है, आप थोड़ा सा ऊपर गए होंगे, थोड़ा सा अक्ष के यहां पर जाइए, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा हो गया होगा, थोड़ा सा तिरछा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को यहां पर जाते जाते पूरा पलट के ऐसा होना है। ध्यान से देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड अभी ऐसा है, निरक्ष पर जाते जाते पूरी तरह से पलट के इसको ऐसा हो जाना है। इसका मतलब साफ है कि अक्ष पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा, इसके थोड़ा ऊपर गए होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा हुआ होगा, थोड़ा और ऊपर गए होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा हुआ होगा, थोड़ा और ऊपर गए होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा हुआ होगा, थोड़ा और इसकी तरफ आएंगे ऐसा हुआ होगा, और जब निरक्ष पर आ गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा हो गया होगा। समझ आया आपको? अक्ष पर ऐसे, और जैसे जैसे हम निरक्ष की ओर जाते गए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा हो गया, और आगे चलिए और आगे चलिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार ऐसा होता गया और यहां पर आके ऐसा हो गया। देखिए ऐसे लगातार पड़ते गया, यहां पर आए तो ऐसा हो गया, यहां पर ऐसा हो गया, यहां पर ऐसा हो गया, और यहां पर फिर ऐसे हो गया। तो मैं चाहूं तो इसके लिए एक फिगर बना सकता हूं, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाने के लिए, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल ऐसा था और यहां पर फिर ऐसे हो गया, इस जगह पर इस दिशा में, यहां पर इस दिशा में, यहां पर इस दिशा में, यहां पर बिल्कुल ऐसे हुआ, फिर इस दिशा में, फिर इस दिशा में, और इस डायरेक्शन पे। अब नीचे की ओर देखिए, नीचे की ओर देखेंगे तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इसी तरह से मिलेगा ऐसे। इसमें कैसे मिला? यहां पर ऐसे, इस जगह पर डायरेक्शन ऐसे के बजाय ऐसे हो गई, इस डायरेक्शन पर आकर, इस बिंदु पर आकर डायरेक्शन ऐसे हो गई, यहां पर यह डायरेक्शन, यहां पर यह डायरेक्शन, और यहां पर जाकर फिर ऐसी डायरेक्शन हो गई। तो आपने बेटा देखा इस फिगर की हेल्प से कि विद्युत क्षेत्र जैसे हम अक्ष से ऐसा दूर जाते जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा हो गया, और फिर जब अक्ष की ओर आते जाएंगे तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड देखिए ऐसा हो गया है। तो हमने उसकी हेल्प से ये एक फिगर बनाया, और याद कीजिए यही तो है, यही तो है बेटा, क्या है? यही तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। इट मींस जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। ये आज हमने सिद्ध कर दिया, आज हमने प्रूफ कर दिया है। बात समझ में आई? प्लस से चल करके माइनस में टर्मिनेट हो जाती हैं, चाहे इस तरफ लीजिए
चाहे आप इस तरफ लीजिए, तो प्लस से निकलकर माइनस में टर्मिनेट हो जाती है। और ध्यान से देखिए, यही हमने प्लस और माइनस के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाई हुई थी, और आज आपने बाकायदे कैलकुलेशन, उसकी डायरेक्शन और सारा कुछ उससे देखा। तो ये सारा का सारा आर्टिकल इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से उसके इलेक्ट्रिक फील्ड का था, और यहां से इलेक्ट्रिक डायपोल के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के आर्टिकल्स कंप्लीट हो जाते हैं। तो आज हम लोग अपना जो भी ये वाला आर्टिकल था यहीं तक रख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल पे एक बार फिर से हम बहुत इंटरेस्टिंग चीज पढ़ने वाले हैं कि अगर हम अभी तक डायपोल खुद इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा था, लेकिन अगर हम इस डायपोल को ही एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रख दें, एक बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रख दें, तो इसका बिहेवियर कैसा होगा। तो आप बिल्कुल मिस मत करिए, सारे लेक्चर्स लगातार आप देखते रहिए। अदरवाइज अगर आप मिस करेंगे तो ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपसे छूट जाएंगी। तो ठीक है, आज हम इतना ही रखते हैं, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।